चाइनीज संकट के बीच क्या कहती है उद्धव ठाकरे की कुंडली? क्या महाराष्ट्र को निगल जाएगा कोरोना वायरस? क्या कहती है महाराष्ट्र की तकदीर? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर और बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्या कहती है महाराष्ट्र की जन्म कुंडली, क्या कहती है राज ठाकरे जी की कुंडली, और जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह लिया में भाग लिया था, जिस शपथ ली थी, क्या उस समय की ग्रह की स्थिति थी, तो वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के हिसाब से जो हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, उससे पहले बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में जो है हालात काफ़ी गंभीर हैं, यानी कि सबसे बड़ी महामारी महाराष्ट्र में इस समय फैल चुकी है। और जिस तरह की ग्रह स्थिति पर अगर हम नज़र डालते हैं कुंडली के हिसाब से, तो ये लग रहा है कि केतु ग्रह जो एक ऐसा है जिसने महाराष्ट्र की कुंडली में एक तरीके से ग्रहण लगाया है और ये वायरस को बहुत ज़्यादा फैला दिया है। केतु ग्रह की वजह से ये बड़ी समस्या वहाँ पर बन के आई है। और अगर गोचर में इस समय स्थिति की बात करें तो छठे भाव में केतु का चलना जो है ये बिल्कुल भी एक शुभ स्थिति में नहीं है। और केतु जो है इस समय हम बात करें धनु राशि में और मूल नक्षत्र में चल रहा है, जिसके कारण ये समस्या काफ़ी इस समय बढ़ी हुई है। और हमने देखा है कि महाराष्ट्र में केस काफ़ी बढ़ रहे हैं और लोगों ने बहुत हमारे से जानना चाहा कि आखिर कब तक महाराष्ट्र में इस तरह की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए दर्शकों, इस तरह का वायरस जो है, जो कुंडली के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, साफ साफ आपको बात करूंगा कि महाराष्ट्र की स्थिति में कब सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की कुंडली से बात करें तो अभी जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं 14 अप्रैल के बाद वहाँ पर हालात में तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आएगा, स्थिति में बदलाव आएगा। लेकिन जो अभी आने वाले 2 महीने हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि अप्रैल और मई का महीना, ये जो 2 पूरे महीने हैं पूरे पूरे लग जाएंगे वहाँ पर रिकवर होते होते, और जून से वहाँ पर हालात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगे और स्थितियाँ जो हैं सामान्य होती भी नज़र आएंगी। यानी कि जो मेरी प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है कि 15 जून के बाद से वहाँ पर ग्रह स्थिति जो है महाराष्ट्र की वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या इस बड़े संकट से क्या वहाँ पर महाराष्ट्र में कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी आर्थिक कष्ट, कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। देखिए, महामारी है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी कर रही है। और जो ग्रह स्थिति बता रही है, देखिए इस महामारी के चलते महाराष्ट्र में कोई बड़ा संकट नहीं आने वाला है। किसी तरह की महाराष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है या वहाँ पर रोज़गार की स्थिति कोई ख़राब नहीं होने वाली है। तो जो ये आने वाला समय रहेगा जून से, वहाँ का समय जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा और किसी तरह की बड़ी विपत्ति, कोई बड़ी बाधा इस समय वहाँ पर नहीं आने वाली है। शनि का जो योग है, शनि बहुत ही शुभ स्थिति में बने हुए हैं महाराष्ट्र की कुंडली के हिसाब से, तो वो वहाँ की स्थिति को उभार लेंगे, बड़े संकट से बचाएंगे शनिदेव। महाराष्ट्र की कुंडली तो कम से कम इस समय यही कहती नज़र आ रही है। और उद्धव ठाकरे जी की जो शपथ ग्रहण की कुंडली थी, बहुत से लोगों ने ये भी जानना चाहा कि उनका भविष्य क्या है। देखिए, उनका वृषभ लग्न में उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी, उस समय अष्टम भाव में काफ़ी गुरु केतु का योग था, जो कि दिखा रहा था उनको आने वाले समय बड़े संकट, बड़े परेशानी से जूझना पड़ सकता है और बड़े मनमुटाव भी रह सकते हैं वहाँ पर। देखिए कुछ, अब देखिए ये वायरस इस समय बीमारी आई तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से, समस्या से जूझना पड़ रहा है। अगर ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नज़र डालें तो देखिए, इनकी जो कुंडली में ग्रह नक्षत्र का समय है वो मई से काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ जाएगा। 8 मई से इनको जो दशा है उसके अकॉर्डिंग इनका बहुत ही अच्छा समय शुरू होगा। यानी कि अगर हम बात करें कुंडली में शनि मंगल इनको बड़ी परेशानी से, बड़ी विपत्ति से बचा कर ले जाएंगे और उनकी कुर्सी पर भी कोई बड़ा खतरा आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। बहुत से लोगों ने ये भी जानकारी देना चाहिए कि इनकी कुर्सी पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है, कोई बड़ा संकट आएगा। जिन्हें ग्रह नक्षत्र तो इस समय कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति फिलहाल इनकी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है और हालात जो है इनके आने वाले समय में और भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी कुंडली के हिसाब से हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे, महाराष्ट्र का भी समय धीरे धीरे बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे हमने आपको बता ही दिया है। और कुल मिलाकर राज्य में स्थिति जो है 14 अप्रैल के बाद से थोड़ी तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य उच्च के आ जाएंगे और जब सूर्य उच्च के होते हैं तो जितनी भी इस तरह के वायरस संबंधी जो बीमारी होती हैं उनका नाश करते हैं,
उनको पूरी तरह से मिटा देते हैं। लेकिन क्योंकि जो यहाँ पर केतु की जो स्थिति मैंने आपको बताई है, केतु अभी जो छठे भाव में चल रहे हैं गोचर में, वो स्थिति शुभ नहीं है, उसकी वजह से ये संक्रमण जो है पूरी तरीके से नहीं जा पाएगा। धीरे 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 ही ये संक्रमण जाता हुआ नजर आएगा। तो दर्शकों, ये कुछ महाराष्ट्र की स्थिति कुंडली की बनी हुई है। और उद्धव ठाकरे जी के जो सितारे बता रहे हैं और जो शनि देव उन पर मेहरबान हैं, बहुत समझदारी भरे फैसले ले रहे हैं वो, और उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि वो बहुत जल्दी महाराष्ट्र को इस बड़े संकट से उभार लेंगे और जो मुंबई है मायानगरी एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी और सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे और काम कारोबार वहाँ दिन दुगना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। ऐसी हमारी मंगल कामना है, ऐसी हमारी प्रभु से भी कामना है कि किसी को भी इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और हमारे सभी दर्शकों से अपील है, खासकर महाराष्ट्र के दर्शकों से भी, कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लॉकडाउन चल रहा है कि पूरी तरीके से घर में ही रहें, और अगर आपको जाना भी है तो दिन में एक बार निश्चित करके जाएं, घर का एक व्यक्ति जाए और सामान लेकर आ जाए, और घर के सभी लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का खासकर विशेषकर ध्यान रखें, उनको घर में रखें और घर पर ही कुछ ऐसा करें जिससे परिवार में एकजुटता बनी रहे, खुशी का माहौल रहे। कुछ ऐसे कार्य भी इस समय किए जा सकते हैं जिस समय लॉकडाउन है, सभी लोग घर पर हैं, कुछ लोग घर से भी कार्य कर रहे हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। घर बैठे कुछ ऑनलाइन सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। दर्शकों, तो कहीं ना कहीं इस नकारात्मक चीज़ों में भी कि परेशानी तो है, लेकिन इस परेशानी का मिलकर परिवार कैसे हल निकाल सकता है ये भी सबको देखना ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा समय है कुछ अलग करने का, घर बैठे कुछ सीखने का, रिश्तों को सुधारने का और एकजुटता को मजबूत करने का और देश को एक साथ आगे लाने का। और देशवासियों से अपील है कि सभी लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें और सेफ रहें। तो दर्शकों, आज हमने महाराष्ट्र की कुंडली आपसे हमने शेयर करी। आने वाले समय में और भी कुंडली लेकर आपके सामने आएंगे। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और हमारे इस प्रोग्राम को भी लाइक जरूर करें। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे जरूर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। नमस्कार। एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है पूरी मानव जात के सामने, एक संकट पैदा हुआ है। चुनौतियों से भरा यह वातावरण देश की सेवा के लिए, हमारे संस्कार, हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रशस्त होने का मार्ग तय करता है। साथियों, जनसंघ से दिनों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक दो सांसद वाली पार्टी से लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने चार चार पीढ़ी, अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान के अधिष्ठान पर ये पार्टी खड़ी है। प्रारंभिक काल से ही हमें जो मंत्र मिला, संगठन का, समर्पण का, संघर्ष का, सेवा का, और इन सबको एक ही धागे में परोया गया, संस्कार। हमें श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है
अनेक वरिष्ठ महानुभाव है जिन्होंने पांच पांच छह छह सात सात दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। आज उस आदर्श को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का हम सबका दायित्व बनता है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा।